उसके लिए बिट्स के लिए मैंने अलग से मेहनत भी करी थी बिट साइट निकालने के लिए, लेकिन हाँ जो पहला ड्रीम था वो तो आईटी दिल्ली था, इसकी वजह से प्रिपरेशन शुरू करी थी। एंड वो प्रिपरेशन वाले दिन ऐसे मैं कभी रिग्रेट नहीं करता कि यार इतनी मेहनत करी तब भी आईटी में नहीं हुआ, क्योंकि उनसे भी बहुत सीखने को मिला जब हम प्रिपेयर करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को सीखने की मिली वो थी हार्ड वर्क की आदत थी, वो तब से ही लग गई थी प्रिपरेशन से। तो जैसे आपने देखा मैं अपनी ड्रीम कॉलेज की बात कर रहा था एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करी हैं एंड आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि मेरा प्रिपरेशन फेज कैसा था, क्यों वो कॉलेज चाहिए था एंड मेरा कैसे एक्सपीरियंस था कॉलेज का, मेरा स्कूल का कैसे एक्सपीरियंस था, या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो एंड आप बहुत क्यूरियस भी होंगे कि मेरी जर्नी कैसे रही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए सोल्यूशन है। आई बी कमिंग लाइव ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऑन 20th 7 PM, जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, आस्क मी एनीथिंग, एंड उसमें एक थोड़ा सा सरप्राइज भी रहेगा आपके लिए एंड में, सो वो तभी रिवील करूंगा। सो मेक श्योर यू अटेंड द लाइव सेशन, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट एनरोल एंड क्लिक ऑन द नोटिफाई मी सो यू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर माय सेशन। एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम कूल थिंग्स दैट एन एकेडमी हैज कम अप विद, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एस योर लास्ट माइल प्रेप, इसमें देयर आर टू ऑप्शंस 3 months and 6 months which will be available for 11,550 and 90,712 respectively. Just make sure you use the code MOOCS10 to avail the discount. And if you are coming from batch of 2022, 23 or 24, then there is some cool stuff. There are some batches as you can see on the screen, early evolve, early emerge. And for 2022 batch, there is practice series 2.0 and mission 2.0. So, jo bhi details hai, you can see on the screen. And just make sure you enroll and use the code MOOCS10. And see you in the live session. Now let's go to the vlog. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. आज हमारा प्लान है ऐसे रैंडमली दिल्ली को एक्सप्लोर करना। अभी के लिए हमने क्या सोचा है कि इंस्टाग्राम पे हमें पोस्ट मिली थी जिसमें दिल्ली के अच्छे अच्छे जगह लोगों ने कमेंट्स करी थी, तो उसमें हमने एक रैंडम सेलेक्टर टूल बना लिया है कमेंट्स को, जो रैंडमली कमेंट्स को सेलेक्ट कर रहा है। एंड हर्ष को एक दिल्ली की रील भी बनानी है एंड मैं हो सके तो मैं थोड़ी बहुत डांस वीडियोज बना लूँगा। अभी हम और रैंडम जनरेटर टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और कमेंट्स पिक करेंगे कि हम किधर जा सकते हैं दिल्ली में। नोएडा सेक्टर 16 है। नोएडा तो रोज घूमते भाई। टेक अनदर। सेक्टर 16 है। क्या लिख दिया भाई? कंफ्यूज बहुत है, करना क्या? आ तो गए, चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। स्पॉन्टेनियस प्लान था। चल अब जो आएगा ना वही करेंगे। ठीक है, डन। 3, 2, 1, लेट्स गो। जी के चलो, चलो। लेट्स गो। ऑन आवर वे टू जीके, क्योंकि जीके पहली लोकेशन थी एंड देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन क्या आएगी। जी के आ तो गए हैं लेकिन अभी वही प्लान कर रहे हैं किधर जाएं। भाई मेट्रो में सोच रहा था मैं, ठीक है जी के जा रहे हैं पर करेंगे क्या? मैं बोला ना एक वही है, ये कौन सी मार्केट है, एम से कुछ मार्केट का नाम है, ब्लॉक ब्लॉक एम में है मार्केट, सही सी उसमें मैं वहीं से गीतांजलि में वहीं का गया था जी के वाला। अरे मैं समझ, वो वही है पार्ट 1 पार्ट 2 की मार्केट है वो सारी। हाँ बहुत चमकीली सी है ना, सही मार्केट है। तब हमारे एम्बिशन ज्यादा रहते थे, तब ये कर देंगे वो कर देंगे, जब क्या भाई क्या कर रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब हम तब भी ऐसा हमें लगता था कि हम बहुत ऐसे फोड़ू हैं, जब 3,000 पे भी ऐसे। हम दोनों सेम स्कूल में थे या 11th 12th सेम स्कूल सेम कोचिंग आईआईटी की प्रेप, लेकिन दोनों आईआईटी में नहीं है। यस बस यही नहीं हुआ, बाकी बहुत फोड़ा है, बस आईआईटी नहीं हुई। ब्लॉक में पूछ लें इनसे किधर है, पूछते हैं लोगों से, उसमें ज्यादा मजा है भाई। ऑटो में बैठ जाते हैं, बोल मार्केट ले जा हमारे। मेरा पता क्या सपना था? क्या? दिल्ली का था टूरिस्ट ट्रैवल करने का,
कहीं नई जगह जाते हैं कितना अलग सही लगता सब कुछ, लेकिन हम दिल्ली में के पास ही रहते हैं तो इसलिए हमें वो फील नहीं आती। मैं लगता पर मैंने कभी सही से घूमा नहीं है, काम वाम आ जाते हैं चले जाते हैं। मैंने बहुत देखा है जो बाहर के लोग दिल्ली आते हैं ना वो हमसे ज्यादा घूम लेते हैं। भैया कोई ब्लॉक टाइम वगैरह वाली मार्केट है क्या? कितने रुपए? फिर कब आएगा? यस यस भाई ये रिपीट हो रहे हैं। चाबी निकाल भाई, चाबी निकाल। ओहो अपनी गाड़ी इलेवेंथ का सबसे बड़ा सपना, मेरे को याद है हम टीचर से कहते थे सर आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है। वैसे मेरे को तो बॉम्बे पसंद था, बहुत तैयारी करी थी इलेवेंथ में तो बहुत पढ़ता था, फिर ट्वेल्थ में भी, लेकिन आखिरकार जैसे आप सबको पता है हो नहीं पाया, एडवांस की वजह से नहीं हो पाया था। एडवांस इतना अच्छा नहीं गया था, मेंस तो तब भी ठीक ठाक गया था लेकिन एडवांस अच्छा नहीं जा पाया और सपना टूट गया था, क्योंकि बिट्स मिला और बिट्स ने डिफरेंट चीज़ें, बिट्स की वजह से मेरा यूट्यूब इतना ग्रो करा, ग्रेटफुल फॉर बिट्स ऑल्सो। लेकिन हाँ जो पहला ड्रीम था वो तो आईटी दिल्ली था, इसकी वजह से प्रिपरेशन शुरू करी थी, वैल्यू पता चलती थी चीज़ों की, टाइम की वैल्यू पता चलती थी, टाइम मैनेजमेंट मतलब करना, क्योंकि मैं बास्केटबॉल डांस में छोड़ा नहीं कभी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे तीनों चीज़ों को टाइम देना है, वो भी मेरे को उस 11th 12th वाली फेज में सीखने को मिला था। तो जो आपकी जो भी लोग देख रहे हैं जो अभी प्रेप फेज में एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि आपकी ये जो टाइम है ये कभी ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट हो जाए। तो आपका आईटी नहीं भी निकला तो कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। तो जस्ट कीप अपना बेस्ट दो, आउटकम पे फोकस मत करो कि तुम कर पाओगे या नहीं, बस अपना बेस्ट दो एंड आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा एंड में। मतलब मेरे को याद है जब मेरे से कोई पूछता था 11th में कि भाई किधर, सबसे पूछता ना, जैसे हमारे टीचर्स भी हमें बताते थे कि फिक्स करना है तुम्हें ड्रीम, तो मैं तो आईटी बॉम्बे बोलता था, लेकिन जब पेरेंट्स की ड्रीम थी आईटी दिल्ली, बच्चा घर के पास रहेगा, घर के पास वीकेंड पा जाएगा। आईटी फिजिक्स सबसे हार्ड आई थी, मेरे को याद है फिजिक्स बहुत हार्ड थी, मैथ कंपैरेटिवली इजी थी, फिजिक्स बहुत हार्ड थी। बढ़िया रैंक आ गई थी तो मेरे को मिल रहे थे ठीक ठाक एनआईटीज, मेरी भी अच्छी आई थी, पर हमारे जो डोमिसाइल है उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जब 11th में आए टीचर्स जब हमें बताते थे कि कितनी मेहनत लगती है ये वो, तो मेरे को सुन के बहुत ऐसे धक्का लगता था, मोटिवेशन तो मिलती थी कि भाई मेहनत करनी है, लेकिन मेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ मतलब बहुत वो भी होता था कि मतलब ऐसा था कि एक बच्चा तो ये 11th का उस पर तुम इतना प्रेशर वाइज नहीं फील, लेकिन वो जरूरी भी होता है, मेरे को नहीं पता जरूरी है या नहीं, इतना पता नहीं यार, दोनों ही है, जो लोग प्रेशर लेके करते हैं मोटिवेट करता है उनको, उनके लिए अच्छा है, वही अपने आप को जान लो तो सही है ना, एंड में अपने आप को जानो। लेकिन प्रिपरेशन फेज अच्छा भी था बुरा भी था, बहुत मिक्स था, पर लास्ट में तुम कुछ लर्निंग ही लोगे और वो अच्छी रहेगी लाइफ। प्रिपरेशन में 11th 12th में क्योंकि हम इतनी मेहनत कर लेते हैं तो मेहनत की आदत पड़ जाती है, ये तो मेहनत से डरोगे नहीं कभी। मैथ्स नहीं कर पाया क्लियर, पर मैंने कॉलेज में बहुत अच्छा किया और अभी जीमैट वगैरह जीआरई में सब अच्छा कर रहा हूं, सब अच्छा क्योंकि मैं मेहनत की आदत हो गई। तो लर्निंग तो हमेशा रहेगी, चाहे तुम आईटी निकालो नहीं निकालो, निकालो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी निकालो तो लर्निंग तो हमेशा लाइफ लॉन्ग तुम्हें मेहनत की आदत हो जाएगी बेसिकली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेलियर से डरना नहीं चाहिए, ये मैंने सीखा, मतलब ट्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो देखो आईटी का फायदा तो रहता है, ब्रांड वैल्यू रहती है, ऐसे डिनाई नहीं कर सकता मैं। तो हाँ मेहनत करोगे तो अच्छा तो होगा ही, और जो नहीं भी हुआ तो लर्निंग तो रहेगी हमेशा, लाइफ वहाँ पे खत्म भी नहीं होती है, बहुत है अभी, सही है। तो बट जस्ट डू योर बेस्ट, कीप ट्राइंग योर बेस्ट, एंड ये जगह आई गेस बहुत लोगों का ड्रीम भी होगा, तो जस्ट डू योर बेस्ट एंड कीप ट्राइंग। बहुत खास मिले कितने 50 और बैठ जाएगा, फिर ये साइज के लिए आनी पड़ेगी।
अच्छा मस्त आ रहा है तो।